हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। क्या आप महाराष्ट्र एमबीए सीटी 2025 को टारगेट करने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने महाराष्ट्र एमबीए सीटी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें महाराष्ट्र एमबीए सीटी रीजनिंग सेक्शन के बारे में, तो रीजनिंग सेक्शन हमारे टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग मिलाकर आपके टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। हमारे महाराष्ट्र एमबीए सीटी में वैसे तो सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, बट इन तीनों में हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे किस सेक्शन से कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग को लेते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग में आपके अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोलिज्म, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशियंसी, डिसीजन मेकिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कोडेड इक्वेशन, क्यूब एंड डाइस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं। ओके, अगर बात करें हम क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, तो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में हमारे टॉपिक आते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, पैटर्न परसेप्शन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। सो ये 5 टॉपिक से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं एंड 22 इधर एंड 5 इधर, 27 टॉपिक से आपके टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो देखिए रीजनिंग में सारे टॉपिक ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट उसमें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका सिलोलिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे टॉपिक एक साथ एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, कुछ टॉपिक आएंगे कुछ टॉपिक नहीं आएंगे, बट हमें पढ़ना है ये सारे टॉपिक। ओके, तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हमारा क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 पार्ट मिलाकर हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इन तीनों पार्ट के क्वेश्चन एक जगह चाहिए तो आप हमारे बुक को फॉलो कर सकते हो। हमारे पास रीजनिंग के वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बुक हैं, क्वांट के बुक हैं एंड इंग्लिश के बुक हैं। अगर आप एमबीए सीटी के प्रिपरेशन के लिए क्लासरूम देखना चाह अगर आप क्लासरूम देख रहे हैं तो मुंबई में हमारे 3 जगह ब्रांच है, डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश क्लासरूम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या आप आउट ऑफ मुंबई रहते हैं तो घबराने कोई बात नहीं है, हमारे पास लाइव क्लासेस के भी ऑप्शन है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भी ऑप्शन है। आप हमारे बुक परचेज कर सकते हैं, ई बुक हमसे ले सकते हैं और हमारे आप टेस्ट पैक को भी हमसे ले सकते हैं। अगर बात करें हम हमारे ऐप के बारे में, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है बी एडुकेयर। आप एप्पल ऐप स्टोर से भी हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके गाइज, सो आई होप कि आपको महाराष्ट्र एमबीए सीटी के रीजनिंग के सारे टॉपिक के बारे में आपको आई होप पता चल चुका होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।